नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम आपको आधार सेंटर पर जो भर्ती निकली आधार सुपरवाइजर की, उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन इसकी रहेगी, क्या काम करना रहेगा। तो सभी जानकारी हम देने वाले हैं आधार सुपरवाइजर की, आधार सुपरवाइजर में काम क्या करना पड़ता है, सभी जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, गूगल ओपन कर लेना, सीएससी ग्रामीण नौकरी सर्च करना है। सीएससी ग्रामीण नौकरी जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहली जो वेबसाइट दिखती है उस पर आपको क्लिक कर देना है, सीएससी ग्रामीण नौकरी डॉट इन पर। ठीक है, सीएससी नौकरी ग्रामीण डॉट इन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एंड नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर, आधार जो ऑपरेटर सुपरवाइजर आपको दिख रहा है, आधार सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो सेम है, जहां पर भी आधार कार्ड अपडेट होते हैं वहीं पर जो ऑपरेटर होता है उसे ही आधार सुपरवाइजर हम कहते हैं। यानी कि आधार कार्ड अपडेट से लेकर आधार कार्ड बनाने तक की जो काम करता है वो आधार सुपरवाइजर करता है, मतलब ऑपरेटर करता है। तो हम जैसे ही इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी और दे देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑन प्रॉपरली कॉन्टेक्ट बेसिक ऑफ फॉर ए प्रोवाइड ऑन वन ईयर, एक साल के लिए आपको रखा जा रहा है, इसके बाद आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा भी सकते हैं। कौन सी पोस्ट है, तो पोस्ट की हम बात करेंगे तो दोस्तों ये आधार सुपरवाइजर की एजुकेशन आपके पास 10वीं एंड 12वीं होना चाहिए। अब एंड साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, अगर आपके पास पीजीटीसी है टीसीए है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको अप्लाई कौन कर सकता है, तो अप्लाई आर एक्सेप्टेड थ्रू व्हाट सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर 18 साल से प्लस के हैं तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 12वीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एंड कहाँ कहाँ पर पोस्ट है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के इतने जिले में, 8 जिले में निकली हुई है। ब्लॉक भी आप साइट में देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरला की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हरदा जिले, दमोह, धार, ये सभी जगह है। यहाँ पर आपको आई हैव एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉग इन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आधार सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, अगर आपको अप्लाई नहीं करके आ रहा तो आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर वहां से अप्लाई करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर हम, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम जरूर एक वीडियो आपके लिए लाइव बनाएंगे कि इसमें आप कैसे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं आधार सुपरवाइजर के लिए। जो जो टर्म एंड कंडीशन है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप इसमें जरूर से आवेदन करिए ताकि अगर आपके जिले में पोस्ट है खाली है तो आपको मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में निकली हुई है। यहाँ पर आपको जिला सर्च करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे जरूर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करिए आधार सुपरवाइजर में। वीडियो में बस इतनी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते नहीं आ रहा है तो सीएससी नजदीकी सीएससी सेंटर पर चल जाइए, आप कमेंट अधिक करिए, अधिक से अधिक कमेंट आते हैं तो हम आपको लाइव आवेदन कर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप साथ जल्द मिलेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दी इसी अपडेट नई जानकारी लेने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।